हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता। और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एमसीक्यू का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले कि आपने दोनों वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के, उसमें ज़्यादातर जो हैं न्यूमेरिकल बेस हैं, कैलकुलेशन करनी होगी। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट बेस भी हैं, तो कैलकुलेटर रखिए अपने पास। जब कैलकुलेशन का टाइम आए पॉज कर लीजिएगा वीडियो और फिर ऑन कर लीजिएगा। टाइमर वही 10 सेकेंड्स का है, पढ़ती रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट, व्हाट वुड बी इट्स मास, इट इज मूव्स विद वेलोसिटी 0.6 c, 3/2 m0, 4/3 m0, 5/4 m0 एंड 6/5 m0। टाइम स्टार्ट नाउ। तो मैंने तो टाइम स्टार्ट कर दिया है, आप क्या करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बताइए। यस, इसका करेक्ट आंसर है 5/4। और हमने इसको कैसे सॉल्व किया है तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो फॉर्मूला यूज हो रहा है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c². क्वेश्चन में v गिवन है तो v की वैल्यू रख लीजिएगा, अंडर रूट 1 - 0.6 c/c². तो ये 0.36 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.64 हो जाएगा, 0.8 आएगा। 0.8 डिवाइड बाय, डिवाइड किसको करना है, एम नॉट को, तो इसको हम 10/8 लिख सकते हैं और 10/8 का मतलब 5/4। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पल्स ऑफ लाइट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी वी इज 1/(1 - v²/c²), 1/(√1 - v²/c²), 1 - v²/c², √1 - v²/c². तो टाइम स्टार्ट नाउ और करना स्टार्ट करिए। आपने सही आंसर लगा लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। यस, 1/(√1 - v²/c²), ये टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है। डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v²/c². तो 1/(√1 - v²/c² फैक्टर से टाइम हमें दिखाई देता है दूसरे फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज 0 c² e/c², नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने करा भी है, थ्योरी में भी डिस्कस किया है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है। तो और मेरे ख्याल से सब लोग ठीक लगा रहे हैं इसका आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज 0। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ मास से ही कर लेते हैं। एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v²/c² और एम नॉट आपको निकालना है तो एम नॉट हो जाएगा एम अंडर रूट 1 - v²/c² फॉर फोटोन। फोटोन के लिए वी जो है सी के बराबर होता है तो एम नॉट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, टू फोटोन अप्रोच ईच अदर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, ऑप्शंस हैं c/2, 0, c/8 एंड c। तो करना स्टार्ट करिए क्वेश्चन को, और ये मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे, ये हमने कई बार डिस्कस किया है और मैंने आपको कराया है भी है। ठीक है, तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। और कैसे आता है, जब टू फोटॉन्स करते हैं तो हम इसको वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से कर सकते हैं। आप एक्सप्रेशन जानते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में, यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 + u - v / c². तो यहाँ पे यू डैश भी आपका सी है, वी भी आपका सी है, तो जब आप ये वैल्यूज रखेंगे तो यू भी सी
ही आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोच स्पीड ऑफ लाइट इट मास बिकम्स, ऑप्शंस आर 0, डबल, रिमेन सेम, इनफाइनाइट। और टाइम स्टार्ट हो रहा है करियर्स को, और ये मेरे ख्याल से सब लोग बता देंगे, सबको पता है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है और सब आंसर कर चुके हैं। यस, इनफाइनाइट आंसर है। और इनफाइनाइट कैसे है? एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c², और सबको पता है v इक्वल टू c क्वेश्चन में दिया है, तो एम नॉट अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच वन इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम, मास बोथ एंड हाइट। और टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, आप काउंट डाउन भी देखिए, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देखिए। थ्योरी वाला क्वेश्चन है, सॉल्व तो नहीं करना है। यस, करेक्ट ऑप्शन है बोथ, क्योंकि हम जानते हैं टाइम और मास रिलेटिविटी में एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होते हैं, इनको हम रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं, तो बोथ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 0.8 c विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, देयर रिलेटिव स्पीड इज 0.912 c, 0.95 c, 0.975 c एंड 0.85 c। टाइम स्टार्ट नाउ। उसको आपको कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पीछे की स्लाइड्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या होगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज होना है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का। और इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.95 c, और क्या फॉर्मूला था? यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन c², और यहाँ पे यू डैश और वी डैश, वी जो है 0.8 c दिया है, वैल्यू रखेंगे यू आ जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू डैश इज वेरी वेरी लेस देन सी एंड वी इज ऑलवेज लेस देन सी, देन इक्वेशन बिकम्स यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी यू डैश वी c², यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू डैश वी, u इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी c² एंड u इक्वल टू यू डैश प्लस वी। टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, और हम उसको ये भी मान सकते हैं कि वेलोसिटी स्लो हो गई है तो ये इक्वेशंस या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलियन की तरफ रिड्यूस हो जाती हैं, तो फिर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है u इक्वल टू यू डैश प्लस वी हो जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, चाहे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में कंडीशन लगा लीजिए या फिर लॉरेंट में कंडीशंस लगा के स्पेस का कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर है इसमें आपके सामने, फिगर है, फ्रॉम द फिगर व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ एज ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रेम एस, 0.6 c, 0.7 c, 0.8 c, 0.9 c। कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चन ये आपका, और आपको करना है। और यहाँ पे दो इमेजेस दिए हैं या दो बॉल्स दिए हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक की वेलोसिटी 0.4 c है, एक की वेलोसिटी 0.6 c है, तो एक को v मान लेंगे, एक को u मान लेंगे, u डैश मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका इसका आंसर रहेगा 0.8 c। तो यू कैलकुलेट, इनकी आपस की रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन c², तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 0.9 c, व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी एज ऑब्जर्व बाय ए, 0.9 c, 0, 0.99 c एंड 0.94 c। टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये भी क्वेश्चन जो है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, और उसी तरीके से होना है, सेम वही फॉर्मूला लगना है, उसी तरीके की कैलकुलेशंस हैं। तो u डैश 0.9 c ले लेंगे, v 0.9 c ले लेंगे, और u इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस
यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर ही रखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.99 सी। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम ए मूविंग रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड एमिटेड अ पार्टिकल बी विच मूव विद द वेलोसिटी 2 × 2.8 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम। द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड पार्टिकल इज टू अ साइंटिस्ट इज 0.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.4 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.94 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ये भी आप कर लेंगे। ये भी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो वेलोसिटी दिए हैं, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है। तो कौन कौन सी वेलोसिटी दिया है, 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को यू डैश कंसीडर कर लीजिए, ये आपको बी दिया है। तो फॉर्मूला आपका वही लगना है, यू इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में है, तो यू डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वेयर। वैल्यूज रखिए, आंसर आपका आ जाएगा 2.94 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करते करते हम एमसीक्यू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर द पोजीशन ऑफ माइनर रीड इज 0.6025 mm एंड 0.8970 mm फॉर अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ब्राइट मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5393 एंगस्ट्रॉम। द डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ इज 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम एंड 6 एंगस्ट्रॉम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या क्या दिया है पहले वो नोट कर देती हूँ मैं अपने। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दी हैं टू फ्रिंजेस की, पहले आंसर देख लेते हैं। 6 एंगस्ट्रॉम आंसर है, तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस। तो क्या करेंगे, 0.8970 mm को 0.6025 mm से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0.294। इसको mm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये मीटर में आ जाएगी वैल्यू आपकी डी की 2.945 × 10⁻⁴ मीटर। तो ये डेल लैम्डा दिया है आपको क्वेश्चन में 5393 एंगस्ट्रॉम, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁰ मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से फॉर्मूला है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू, ऊपर लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वेयर अपॉन 2 डी। तो वैल्यूज रखिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 6। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, एक्सप्लोजन के ऊपर है। व्हाट वुड बी द मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट इफ इट एक्सप्लोड इनटू टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 2 kg ईच इज मूविंग विद स्पीड 0.8 cm। दिया है दो अलग अलग बॉडीज का, 2 बॉडीज हैं, दोनों का मास जो है 2 kg दिया है और दोनों ही वेलोसिटी 0.8 cm से मूव कर रही हैं विद ओरिजिनल बॉडी। ऑप्शन 4 kg, 5.4 kg, 6.2 kg एंड 6.7 kg। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग ना कर पाएं क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स क्लास में नहीं डिस्कस किए थे। ये जो है इक्वल टू एमसी स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो 6.7 kg है। और करने का तरीका ये है कि जो ई नॉट है रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट सी स्क्वायर होती है, और ये बराबर होगी जब एक्सप्लोड होगा गामा एम, एम वन ले लेती हूँ मैं, ठीक है, सी स्क्वेयर प्लस गामा एम टू सी स्क्वेयर। और गामा से मतलब है 1/√1 − v² / c². तो एम नॉट अपॉन, बल्कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 − v² / c², ये एम वन ही ले लेती हूँ, इंटू सी स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर अपॉन √1 − v² / c²
और आप यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे इन सब की, तो सी स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल ही हो जाएगा, तो सिंपल ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6.7 kg। तो एम नॉट की एम वन की जगह जो है आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बी की जगह 0.8 सी रखेंगे, तो ये 6.7 kg आ जाएगा एम नॉट। तो यहाँ पे हम लास्ट कर रहे हैं इस वीडियो का, ठीक है, लास्ट था, और पढ़ते रहिए, रिलेटिविटी के 2 वीडियोज और आने हैं, उसके बाद साथ में जो हमारी पैरेलल सीरीज है इंटरफेरेंस और वेव मैकेनिक्स की, उनको भी देखते रहिए। जो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करते हैं वो मैं सब तरह अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि वो सब वीडियोज़ हम कर पाएँ एग्ज़ाम से पहले, और बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना स्टार्ट करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। ओके, बेस्ट ऑफ लक।